दिल्ली का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो रहता बस्तियों में है, काम उनके लिए करता है जो दिल्ली के महलों में रहते हैं, और दोनों की कमाई में फर्क जमीन आसमान से भी ज्यादा। दोस्तों, दिल्ली क्राइम रिचि मेहता द्वारा लिखित और निर्देशित एक भारतीय क्राइम ड्रामा स्ट्रीमिंग वेब सीरीज है, जिसके कास्टिंग डायरेक्टर राधेश मोरे और गोल्डन करावेन इवानाहो प्रोडक्शन, फिल्म कारवा और पुअर मेंस प्रोडक्शन द्वारा निर्मित है। दोस्तों, इस वेब सीरीज के लीड में आपको सैफ अली शाह, रसिका दुगल, आदिल हुसैन और राजेश तेलंग अभिनीत वेब सीरीज और कई अच्छे कलाकार देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यह वेब सीरीज 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार के बाद की है। दोस्तों, OTT प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज देखना जैसे आजकल लोगों की जरूरत बन गया है, यही वजह है कि लोग अपनी पसंदीदा वेब सीरीज के सीक्वल का बड़ी बेताबी के साथ इंतजार करते हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक मोस्ट अवेटेड सीरीज दिल्ली क्राइम है, जिसके सेकंड पार्ट का फैंस को काफी समय से इंतजार है। बता दें कि इसके पहले सीजन को इतनी ज्यादा सफलता मिली कि मेकर्स इसके दूसरे सीजन को लाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अब हाल ही में दोस्तों, दिल्ली क्राइम सीजन 2 का टीजर रिलीज कर दिया गया है। जैसा कि आप इस टीजर में देख सकते हैं, DCP वर्तिका यानी कि सैफ अली शाह इस सीजन में भी बढ़ते क्राइम रेट से परेशान होती नजर आ रही हैं। टीजर में सैफ अली दिल्ली में अमीर और गरीब घर में रहने वालों के बारे में बात करती हुई नजर आ रही हैं। गरीब घर अमीरों के घर में काम करता है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच कमाई को लेकर एक अलग ही ग्राफ देखने को मिल रहा है। टीजर में सैफ अली पर उनके डिपार्टमेंट पर कुछ इल्जाम भी लगाते हुए दिखाई दे रही है। वहीं परेशान सैफ अली क्राइम के खत्म न होने पर अपनी निराशा भी जताते हुए नजर आई है। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली क्राइम का पहला सीजन साल 2012 में हुए निर्भया कांड पर आधारित था, लेकिन इस बार के सीजन में दर्शकों को कुछ अलग देखने को मिलेगा। बता दें कि दिल्ली क्राइम को बेहतरीन ड्रामा सीरीज के लिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड भी दिया गया था। दोस्तों, दिल्ली क्राइम सीजन 2 का प्रीमियर 26 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाला है। इस सीरीज को रिचि मेहता, कास्टिंग डायरेक्टर राजेश मोरे द्वारा लिखित और निर्देशित की गई है। तो दोस्तों, आपको दिल्ली क्राइम सीजन 2 का टीजर कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।